नमस्कार दोस्तों, ऑटो हर्ट्स लाइन पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ MG की EZS। ये कार ऑल इलेक्ट्रिक SUV इंडियन मार्केट में रहने वाली है, तो उसकी आपको प्राइस शेयर करूंगा, इसमें कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं, कैसे उसकी डिजाइन होगी, उसका इंटीरियर डिजाइन कैसा होगा, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और चैनल पे भी अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट हमारी ओर से आप मिस ना कर पाए। दोस्तों, MG की ओर से ये सेकंड प्रोडक्ट होगी जो MG मोटर्स अपनी ZS EV को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगा। आपको बता दूं कि ये कार चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो गई है और उसकी सेलिंग भी काफी अच्छी रहती है। इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट उसकी इंडियन मार्केट में शेड्यूल की गई है December 2019 में। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 22 लाख रुपीज, मतलब इसकी सेगमेंट की कंपटीटर की बात करें हुंडई कोना से तो 1.71 लाख रुपीज आपको कम प्राइस में मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप गाड़ी खरीदने से पहले आपको कोई कंफ्यूजन है, मतलब कि इस कार जो पहली इलेक्ट्रिक होने वाली है तो उसमें आपको चार्जिंग प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, तो आपको बता दूं कि MG ने बताया है कि इस साल के एंड तक 50 किलोवाट का DC फास्ट चार्जर हर कोई MG डीलरशिप में आपको लगा देंगे। अभी उसकी हालोल गुजरात ड्राइव प्लांट में उसका प्रोडक्शन चल रहा है। इस कार की बैटरी पावर की बात करें तो उसमें आपको एक बैटरी मिलेगी जो टर्नरी लिथियम आयरन बैटरी होगी। उसकी बैटरी कैपेसिटी आपको 44.5 किलोवाट की और माइलेज कंपनी क्लेम करती है 300 km/h की। जिस कार में आपको 0 to 100 km/h पहुंचने में सिर्फ 8.2 सेकेंड लगेगा। और उस कार की बैटरी होती है, उसकी चार्जिंग की बात करें तो उसको 0 से फुल होने में आपको 6 घंटा लग जाएगा। हाल में इंडियन मार्केट में फेस्टिवल की सीजन चल रही है, तो आप मुझे बताएगा कि आपको पेट्रोल और डीजल इंजन लेना चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है और हर कोई बायस अभी मेंटालिटी यही होती है कि BS6 इंजन को खरीदा जाए, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही मिल रहा है तो इस कार को आप शायद परचेस कर पाओगे। हाल ही में कोई कंपनी आपको ऐसी व्हीकल जो SUV में इलेक्ट्रिकली रिलायबल ऑफर नहीं करती। जब से इंडिया में इंटरनेशनल कार मैन्युफैक्चर आया है, तब काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी लेके साथ आए हैं, या फिर वो चाइनीज ऑटोमेकर हो, ब्रिटिश ऑटोमेकर हो, या फिर फ्रांस ऑटोमेकर कंपनी, उससे फ़ायदा इंडियन कस्टमर को जरूर हुआ है। और ये कार में आपको चाइनीज एंड ब्रिटिश दोनों DNA को देखने को मिल जाएगा। और एक प्लस पॉइंट आपके साथ शेयर करूँ, इस MG में आपको जर्मन इंजीनियरिंग का यूज़ किया गया है, ताकि आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस और काफ़ी रिलायबल कार भी आपको मिल जाए। जो इलेक्ट्रिक कार्स होती है वो उसकी कॉस्ट आपको काफ़ी कम रहने वाली है कंपेयर टू CNG पेट्रोल और डीजल इंजन से। ये बातें तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन आगे बात करो उसकी सेफ्टी फीचर्स या फिर कोई स्टैंडर्ड फीचर्स की, तो उसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, रियर सीट बेल्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ABS+EBD और फ्रंट कप होल्डर जैसे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएगा। ऑल ओवर डिजाइन की बात करें तो आप उसके फ्रंट साइड में LED DRLs, हेडलैम्प्स, एरोडायनेमिकली एफिशिएंट एलॉय व्हील्स और इंटीग्रेट ग्रिल डिजाइन चार्जिंग पॉड के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। और विजुअल डिफरेंस तो दोस्तों इतना ही है कि उसमें आपको रूफ रेल्स देखने को नहीं मिलेगा, और एक शायद कुछ माइनस पॉइंट रहता है कि अपनी स्पॉटी लुक देखने को नहीं लगेगी। एक्सटीरियर डिजाइन की बात करूं तो MG EZS में आपको विड्थ मिल जाएगी 1809 mm, वहीं कोना में आपको 1800 की मिलेगी, मतलब आपको 9 mm EZS में ज़्यादा मिलेगी, लेकिन एक्सटीरियर लुक में आपको कन्वेंशनल लुक देखने को मिलता है MG की नई आने वाली EZS में। और कोना का लुक दिखा जाए तो काफ़ी मस्कुलर लुक लग रहा है, साइट एंड इंडिकेटर बॉनेट में लगा हुआ है, LED DRLs बम्पर में प्लेस किया गया है। उसी तरह साइड प्रोफाइल के देख के आपको MG EZS में याद आ जाएगा कि एक कन्वेंशनल MG की लुक लग रही है, लेकिन हुंडई कोना काफ़ी मस्कुलर लुक और काफ़ी अच्छा दे रहा है। उसकी लेंथ की बात करूँ तो 4314 mm की लेंथ और व्हील बेस मिल जाता है 2585 mm का, वहीं हुंडई कोना में आपको लेंथ मिलती है 418 mm की और व्हील बेस मिल जाएगा 2600 mm का। रियर प्रोफाइल की बात करें तो कोना में आपको मिल जाएगा, हाइट मिलेगी 1620 mm की, जिसमें आपको अच्छे से अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाएगा, जो कि EZS कैरी करती है फॉरवर्ड अपनी क्लीन डिजाइन और फिलोसॉफी रखी हुई है। इंटीरियर की बात करते हैं तो इस कार में MG EZS में ब्लैक ब्राउन थीम मिल जाएगी, और सेंटर कंसोल में आपको 8 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, और कोना में आपको एक लाइटर ग्रे व्हाइट कलर का फिनिशिंग मिलता है, जो फ्री स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलता है। लेकिन आपको MG EZS आने वाली है उसमें आपको काफ़ी सारा क्रोम फिनिश देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, जितनी भी जानकारी हमें मीडिया द्वारा ऑफिशियली और अनऑफिशियली जितनी भी लीक हुई है, ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने की कोशिश की हुई है। तो चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, थैंक यू दोस्तों एंड तक देखने के लिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि कोई भी हमारी अपडेट मिस ना कर पाए।